हमारा आज का दिन जो हमने निकाला फंक्शन करके। शूज है वो भाई लुई विटॉन के 1800 पाउंड के 1800 पाउंड का जम्मू से छोरे ने इंग्लैंड से बेइज्जती कराई ली बड़े हे गाइस वेलकम अगेन टू रास्ते का सफर। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो एक नए व्लॉग में। अल्ट्रा वॉच कर दे शट अप गाइस आई एम इन दिस व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मूवी देखने। अचानक से प्लान बना क्यों कि हमारे पास छह टिकटें फ्री आ गई थी तो उस वजह से हमारा प्लान बन चुका है। चार आगे जा रहे हैं दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े तो चार आगे जा रहे हैं चार पीछे मेरे को बुला के चार पीछे। तो अभी जा रहे हैं हम मूवी देखने। कहाँ जा रहे गाइस मामा तो जगह का पता नहीं है आगे जाके देखते हैं ठीक है। चलो गाइस अब मिलता हूँ आपको आगे वाले बंदे से मिलाता हूँ ये वाले तो देखिए फिर उसके बाद मिलते हैं आपको आगे ठीक है। तो गाइस ये सारे बंदे हैं ये हमारे हैं नवी ब्रो इंट्रोड्यूस ये है मेनू दिखा दे दिनेश ब्रो दिस इज अवर कोच ऑफ गोलू ब्रो दिस इज शिवम इसका तो आपको पता ही है ये है हमारे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑन माई ब्लॉग बाजी दिस इज जीजू एंड दिस इज कीरत ब्रो ये सारे बंदे जा रहे हैं मूवी देखने तो मिलते हैं हम आपको जब हम बैठेंगे बस में फिर उसके बाद चलेंगे आगे। सो मित्रों आज बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी क्योंकि यार मन नहीं करता व्लॉग बनाने का और मैं डेली रूटीन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं दिखाऊं तो इसलिए व्लॉग हो जाते हैं लेट तो और मेरे को मैसेज कर करके बंद कर देते हैं पागल की व्लॉग डालो व्लॉग डालो ठीक है। तो उसके बाद अब आ जाओ भाई दिनेश भाई हमारे हेलो हेलो आगे हाउ आर यू आगे बस दो दिन और शब्द इंग्लिश में और वहाँ कितने घूम रहे भला आज पापा साउथ हॉल थे साउथ हॉल ब्रॉडवे लिंग या ब्रो या हेलो यू आर गुड तो इसीलिए मेरे ब्लॉग लेट आते हैं ठीक है। तो अभी बस में जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बस को लग जाएगा थोड़ा टाइम तो अभी हम जा रहे हैं ब्रॉडवे तक पैदल फिर उसके बाद ब्रॉडवे तक जाएंगे पैदल उसके बाद आगे कोई बस आएगी क्योंकि जीजू को पता सारा सिस्टम और 6 बजे हमारा शो है 5 यहीं पर बच गए हैं लेट भी हो सकते हैं तो इसीलिए भागते भागते जा रहे हैं और फिल्म भी नहीं पता कौन सी है बस मैंने ऐसे सारे ने बोला मूवी देखते चलते हैं फ्री है बस आ जाओ भाई आ जाओ सारे हम भी जा रहे हैं ये सारे देख लो ये सारे अपने यही बंदे हैं जो दिल लगा के रखते हैं यहाँ पे ऐसे नहीं लगता यहाँ पे दिल चलो अभी मिलते हैं आपको आगे ठीक है। तो गाइस ये है हमारा ब्रॉडवे का मेन चौक ये स्ट्रेट रास्ता जाता है ठीक है साउथ हॉल के स्टेशन को ये ऊपर को जाता है हीलिंग ब्रॉडवे नीचे को जाता है हेज इस साइड अपना घर है और पीछे ठीक है पीछे हमारे बंदे हीलिंग ब्रॉडवे हीलिंग ब्रॉडवे वाली साइड जा रहे हैं भाई एक मिनट हेलो हाय ऑडियंस हाय ऑडियंस अरे जाएंगे लिंक ब्रॉडवे वाली साइड जीजू के पीछे पीछे सबसे आगे हैं जीजू फिर हमारी गैंग बाकी देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे ये 6 बजे का शो है 5:10 हो गए हैं पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे दैट विल बी वेरी बिग क्वेश्चन ओह मेरी इंग्लिश तो मेरी इंग्लिश को इग्नोर करना ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं आगे अभी हम अगर साउथ हॉल पार्क आ गया रास्ते में अभी दिखा दूँ कैसे हुआ चलो गाइस ये गई हमारी बस हमने छोड़ दी क्योंकि एक बंदा हमारा नहीं आया है उस वजह से हमने छोड़ा चलो नेक्स्ट बस भी बीए मिनट तक ये देखो काम कर लेंगे जी पेंट कर लेंगे जी हां जी कर ले रंग कर लेंगे तीन बंदे उस साइड खड़े हैं ये देखो उधर क्रीम समझ रहे हो गाइस आप समझ रहे हो क्यों लगाई जाती है अपनी आ गई है बस अभी हम करेंगे इस पे होस्टल टाइम ठीक है सारे बंदे ये हमारे गैंग मेंबर्स अभी तो फिल्म देखने चले हैं चलो गाइस होस्टल लगा के दिखाता हूं अब आपको अरे मैं लाना भाई लगा लो ये होस्टल हां भाई हां ये होस्टल देखो जी ये मशीन है यहां पे लगी है
बस ये हो गया डबल डेकर बस के हेलो हाय ऊपर बैठ जाए ऊपर जगह देखते हैं आपको फाइनली हम बस से उतर गए हैं बस से उतरते ही हमारे साथ हो गई है एक ट्रेजेडी ऊपर हवा पहले व्यू देखो देख रही ठीक है बस से उतरते ही मेरे साथ हो गई ट्रेजेडी सारे यहाँ पे मतलब जो डबल बस होती है उसकी सीढ़ियाँ नीचे को उतर रहे थे उसने हमारी ब्रेक में बजा जाके कान दीवार का ठल ठीक है वो हो गया थोड़ा फनी मोमेंट थोड़ा इंजॉयमेंट भी होना चाहिए फिर अभी हम पहुँच गए हैं मॉल के पास यहीं पे अच्छा थिएटर ये हमारे बंदे देखो स्नैपचैटर देखो हमारे स्नैपचैटर स्नैप रूप डाल के इंडिया वालों को भी बताना ना हम भाजी पाती स्नैप या बेबी देखो गाइस ये आईफोन इसकी स्टोरी बाद में बताएंगे इसका भी कुछ करना है हमने जुगाड़ना ठीक है अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने बाकी बंदे हमारे आगे यार व्यू चलो मैं आपको अभी थोड़ा व्यू दिखाता हूँ ठीक है आंखों से बहुत सही लग रहा है आंखों से ऐसे अगर देखोगे ऐसे कुछ नहीं बट आंखों से बड़ा सही लग रहा है ये हमारे शिवम भाई एज यूजुअल हमारे साथ ही रहते हैं मूवी का एज यूजुअल देखो पहली चीज दो चीज़ें मेन फैक्टर हमने टिकटें नहीं कराई हैं ठीक है वो पता नहीं होगी या नहीं होगी एक फैक्टर वो है दूसरा दूसरी चीज़ ये कि हमको ये भी नहीं पता मूवी कौन सी ऊपर जाके पता चलेगा सब कुछ हमारे प्रधान जी आगे चले हैं जीजू उनके पीछे पीछे हम शूज देखो भाई लुई विटॉन के 1800 पाउंड के 1800 पाउंड कर लो कैलकुलेट ठीक है इंडिया में कर लो कैलकुलेट 1800 पाउंड ये देखो चीजें खतरनाक भाई ब्रो बैन कोई देखी कोई इंस्टाग्राम इधर ही शॉपिंग कराऊंगा उसको ठीक है अभी देखते हैं हमारा थिएटर कहाँ पे अभी इन चीज यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो हमारा दिल पे 1800 पाउंड लगा 1800 एक दो लाख के तो शूज ही खोलो ये देखो खाली है चलो गाइस हियर इज आवर जीजू आईफोन का काम हो रहा है अब दे व्यू ओहो तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मॉल सिनेमा के पास ठीक है यहाँ पे ऐसे टिकटें लेते हैं यहाँ पे बंदे नहीं होते वो खाने पीने की चीजें ये पूरा इलाका हमारा थिएटर बन की साइड है यहाँ पे हमारी टिकटें ली जा रही हैं शिक्षा करते हैं कलेक्ट देन उसके बाद चलते हैं आगे मूवी भी सिलेक्ट करें कौन सी देखनी है भाई बड़ा प्रॉब्लम चलो गाइस मिलते हैं अब आपको कौन सी मूवी देखते हैं देखो खाने पीने का सामान सब है ठंडे में आइसक्रीम चाहिए गर्ल्स चाहिए क्या चाहिए प्रॉब्लम मम्मी ने ब्लॉग मम्मा ने भी दिखना ब्लॉग नो गर्ल्स की चाहिए वहाँ पे है खाने पीने पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न वगैरह ठीक है महंगा पता नहीं कितना यहाँ पे चल रहा हमारा फोटो शूट वहाँ से हम यहाँ आके टिकटें करवाने अब हो रही है हमारी टिकटें सो गाइस हमने ले ली है टिकटें ठीक है तो हमारा शो है 6:55 का अभी हो रहा है 6:40 व्लॉगिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट ओके तो अभी हो रहा है 6:40 ठीक है फोटो वगैरह खिंचवा ली सबने मिल के एंड उसके बाद हाँ तो मूवी का नाम है एक्सक्यूज मी सर मूवी का नाम सुना केड़ी बोल रही दिख रहा है हां सुना एक्सक्यूज मी सर विल यू क्लिक माय पिक्चर्स शट अप यू इडियट मूवी का नाम है ड्यून 2 DUNE 2 पता नहीं अभी फर्स्ट हमने देखी नहीं हम सेकंड देखने आए हैं स्टोरी हमको कुछ नहीं पता सेकंड देखेंगे कैसी अगर ठीक लगी तो बता देंगे नहीं लगी तो भी बता देंगे बस मॉल बड़ा बड़ा है यार ये देखो
पीछे गाड़ियाँ। चलो हम सारे फोटो खिंचा रहे हैं, हम भी खिंचवाते हैं, फिर आपको मिलेंगे हम इंस्टाग्राम पे नई नई फोटो के साथ। तब तक के लिए हम मूवी एंजॉय करते हैं, आप व्लॉग एंजॉय करो, ठीक है? ओके भाई गाइस, देखो गाइस देखो मॉडल देखो साढ़े मॉडल देखो मॉडल एक मिनट चलो भरावा मूवी देखी है ही, जशी मारी है, बाद च मिलने हैं, ओके। फाइनली गाइस मूवी खत्म हो गई है, बट मूवी थी पता नहीं, मतलब अगर हमने पहला पार्ट देखा तो फिर क्या पता, थोड़ी स्टोरी या थीम जी एक्स्ट्रा वर्चुअल दिख रहा है बिना ऑडियो तो सही हा, क्योंकि समझ तो सानू कुछ आया नहीं। नहीं गल वो नहीं है, गल है कि अगर देखो ऐसी फिल्में मेरे को पसंद नहीं आती, क्योंकि देखो इसमें कोई रियलिटी तो होती नहीं है, हालांकि कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, हथियार पता नहीं कौन से, ना कभी दुनिया में देखे ना कुछ, ठीक है, है ही नहीं कुछ भी भाई उसमें, ठीक है। ऊपर से अगर हमने पहला पार्ट देखा तो फिर भी थोड़ी बहुत ही समझ लगती है भाई, मेरे गई ऊपर से बिल्कुल ऊपर से इतनी सी होती है ना, इतनी सी नहीं समझ लगी मेरे को, आ गई नींद बीच में ऊपर से भाई, जो हमारे साथ बैठे थे थोड़ा सा फोन ऑन करे ना, आर यू सीरियस भाई, हम शांति से बैठे रहे, देखी फिर हमने पूरी, जो हमारे साथ के बंदे जिन्होंने हम टिकट कराई इस फिल्म की, उन्हें बोला 70 मिनट की है मूवी, शुरू हुई 7 बजे, 3 घंटे खत्म हो रही है 10 बजे, खत्म हो रही है 10 बजे, सोचो। और यहाँ पे इंटरवल भी नहीं होता, बंदा इंटरवल में छोड़ के चल जाए, इंटरवल भी नहीं होता, मेन चीज वो है इंटरवल ही नहीं, जब मर्जी जाओ उठ के साथ में बैठ गई लड़की, मॉल भी दिखा देगा, मॉल भी खाली हो गया अब तो भाई, मॉल वगैरह भी खाली हो गए, बंदे भी चल गए, हम ही रह गए यहाँ पे, ऊपर से लग रही है भूख, सुबह के खाना खाया भूख लग रही है ऊपर से, ओ बकरा भाई मैं खा पे, इससे अच्छा भाई जो अक्षय कुमार है, ऋतिक रोशन की फाइटर आई है ना, वो देख लेते वो फाइटर देख लेते वो अच्छी बोली। चलो कोई ना, अपना गया अपने, हम तो मुफ्ती थे, कोई चक्कर नहीं चलता इतना तो, फ्री में चल लेगा, अगर पैसे दे के गया होता फिर तो फिर दुख लगता, फ्री में चल लेगा, देखो जिन्होंने टिकट की ना वो तो दिख भी नहीं रहे, वो जा रहे हैं आगे, वो तो बात भी नहीं कर रहे, तो तीन बंदे बीच में फोन कर रहे हैं चलो उठ के, वो कत्थे में वो तो निकल भी गए हुए, पता नहीं कहाँ चल गए हैं तीन बंदे, ना उनको इंग्लिश समझ आए ना कुछ, वो बीच में छोड़ के चले गए। भाई क्या मूवी थी, पूरा दिमाग मेरा घुमा दिया भाई, उसमें एक सीन दिखाता हूँ मैं, सबसे खतरनाक सीन भाई, वहाँ पे आता है सैंडस्टॉर्म, वहाँ पे आता है सैंडस्टॉर्म के ऊपर भाई, वो खड़े होके पता नहीं क्या कीड़ा था, इतना बड़ा उसका मुंह, आगे उसके कांटे से निकले हुए हैं, उसके ऊपर खड़े होके जाते हैं वो, पता नहीं क्या यार, पता नहीं क्या चीज थी भाई, वो अलग ही चीज थी, कुछ समझ ही नहीं भाई, समझ ही नहीं आए क्या कर रहे हैं ना, समझ लगे स्टोरी का क्या, ठीक है मैं तो बस यही प्रे कर रहा था कि खत्म हो जल्दी, इसका एक्सपीरियंस हो रहा यार, जो इसके साथ लड़की बैठी थी ना, जिसके साथ लड़की बैठी थी ना भाई, ओ भाई ये 2 मिनट बाद सॉरी आगे कुछ समझ आओ, बाकी वाले बंदे ढूंढ के उनसे रिव्यू आपको देंगे, ठीक है, ढूंढ के भाई, टाइम इतना ज्यादा हो गया है, मॉल के दरवाजे ही बंद हो गए, ये दरवाजा ही बंद, सारे मॉल के सारे दरवाजे बंद, मॉल खाली, सिर्फ हम रह आज भाई यही ना, हमें रास्ता मिल रहा, ना हमें रास्ता मिल रहा बाहर जाने का, ना कुछ, दो रास्ते जो मेन एग्जिट थी वहां से वो भी बंद कर दिया, जो हमारे 3 बंदे हैं वो बाहर हैं, वो पता नहीं कैसे गए हैं भाई, बात करूं भाई, कैसी थी मूवी, कैसी थी
मूवी बहुत अच्छी थी, जिसको समझ आई उसके लिए तो बहुत अच्छी थी, जिसको नहीं समझ आई वो बोर हो रहा था। अगर पहला पार्ट देखता बंदा कोई। जतिन की आज बहुत बेइज्जती हुई मेरी, इसकी जो एक गोरी ने बहुत इसकी बेइज्जती की इंग्लैंड में, जब मुझे शोर है इंग्लैंड जब बेइज्जती कराई ली बड़े रूम ही देख लो इन्नी देर आप, पता नहीं भाई कौन से माइकल कॉर्स नाम ही पहली बार सुना, और भी भाई कौन से सारे हैं यहाँ पे, मतलब मेन गुच्ची गुच्ची कोच रावा पर्स गर्ल्स डीएम मी फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अरमानी भाई अरमानी वहाँ पे गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक है मगर वो लेक्सस, यहाँ पे भाई और कोई है मेन एंट्रेंस मिल गई अब हम बाहर जाएंगे शुक्र है रब दा कुते बाहर गए अरमानी भरावा अरमानी अक्षेंद्र आएंगे। चलो आज यहाँ पे सारे कपड़े गुच्ची गाची सब मिलता है, अभी हम जाएंगे बाहर, हमारे बंदे भी बाहर हैं मिलते हैं उनसे, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको पता बहुत ज़्यादा, बाकी किसी का करे ना करे उनका बड़ा होता है, जल्दी हम बाहर और फिर आपको दिखाते आगे जी। चलो ये व्यू दिखाना था गाइस जाते टाइम आपको, मैंने दिख नहीं पाया वो शायद अच्छे आते टाइम दिखा दिया, यहाँ से हम आए देखो पूरा स्ट्रीट खाली, थोड़े बहुत लोग रह गए, हमको इंक्लूड करके अब देखते हैं बस मिलती है या नहीं मिलती है ब्रावो, बस भी नहीं मिले लेट्स अब हम लेंगे कौन सी बाइक है 95 एस्केलेट लेंगे, भीड़ नहीं होनी उनमें फिर सी दो घर भाई भूख लगी बड़ी ज्यादा सुबह से खाना आया है उठा के। देखो गाइस लंदन की नाइट लाइफ और खाली सड़कें, नाइट लाइफ तो भाई क्लब्स वगैरह में होती है, क्लब्स में अगर हमारा प्लान बन गया जो हमने सोचा है फ्री का, फिर नेक्स्ट व्लॉग जो होगा फिर अगर हो गया तो अरे होगा भाई बहुत बढ़िया होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर आपके लिए कुछ और प्लान करेंगे कोई बात नहीं, अभी हम लेंगे बस जीप वॉचिंग उसके बाद चलेंगे पता नहीं सारी ट्रेन से जाना है, चलो चलो स्टेशन थे ये रहा पता नहीं कहाँ जा रहा भाई पता नहीं ये रहा वहाँ एक तो पंजाबी चढ़ाई इतनी यार तुझे मेरे मुँह च हिंदी 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 तो ये जाएगी सीधी हमारे साउथ हॉल आनी है मामा ड्राइवर सीधी साउथ हॉल, हम उतरेंगे ब्रॉडवे, अगर ब्रॉडवे कुछ खुला होगा हमारी बिरयानी खुली होगी, अपने घर के पास जी जी रिएक्शन देते ना सही होता है अपने घर के पास पहुंच चुके हैं, मतलब अब थोड़ी आस आ गया कि पेट को थोड़ी आस आ गया कुछ खाने को मिलेगा, ठीक है बिरयानी खानी थी, बिरयानी की दुकान ही बंदा 11:30 होने वाले हैं तो अभी घर पे जाके ही मिलेगा कुछ जो मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ बंद हो गया है, यहाँ पे बंद हो जाता है यार 11 बजे, खुला होना चाहिए ना लंदन है यार खुला होना चाहिए भाई। मासी दे मुड़े लाने हैं बारह बार चोरी चोरी चलो भाई सब मिलते हैं बंदे। अब हम मिलते हैं आपको घर पे जाके, जब हम कुछ खाना खाएंगे पेट के अंदर कुछ जाएगा फिर ही व्लॉगिंग होगी, अभी व्लॉगिंग भी नहीं हो रही। चलो अब मिलता है सीधा आपको घर पे, अब तीन बंदे ढूंढते सच पहले अपने वो हमसे आगे थे पहले हम तीन बंदे ढूंढे अपने जो गुम हो गए थे कहाँ पे खड़े हैं कहाँ नहीं फोन ला लो
ਉਹੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੇ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਏ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਰੋ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਜੂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋ ਅਭੀ ਉਨਕੋ ਢੂੰਡਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਆਪਕੋ ਘਰ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਪੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ ਘਰ ਪੇ ਤੋ ਗਾਇਸ ਮੀਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਮਨੇ ਫੜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੌਪ ਭੁੱਲੀ ਸੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਘੁਸ ਗਏ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਲ ਲੈ ਲਈ ਹਮਨੇ ਤੀਨ ਜੋ ਆਈ ਹੈ 9 ਪਾਉਂਡ ਕੀ ਆਏ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਕੁਛ ਗਿਆ ਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਬ ਘਰ ਜਾਏਂਗੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਖਾਤੇ ਖਾਤੇ ਘਰ ਪੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬਰਗਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਬਰਗਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਬਰਗਰ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਪੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤਾ ਘਰ ਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੜਾਓ ਖਾਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਚਲੋ ਅਭੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਸਿੱਧਾ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ आज का दिन जो हमने निकाला फंक्शन करके क्योंकि संडे को क्योंकि एक यहाँ पे ना संडे ही होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने एक दूसरे के साथ मतलब कि सारे जब घर पे होते हैं ठीक है तो ऐसे हमारा प्लान बन गया और हम चलिए और नेक्स्ट संडे भी पता नहीं क्या कुछ ना कुछ मतलब ऑन द स्पॉट यहाँ पे प्लान बन जाते हैं पर कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता एक दिन पहले या कुछ भी ऑन द स्पॉट सब कुछ तो बस सब तैयार और यही था हमारा एक छोटा सा व्लॉग और जो लोग बोल रहे हैं कि व्लॉग डालो उनके लिए एक जरूरी सूचना देखो अब बनाने को मैं ऐसे व्लॉग कोई भी बना लूँ वो कोई चक्कर नहीं बट अंदर से जब वाइब आती है ना जो ऐसे वाला जत्ती ना आता जब बाहर वो एक ही बार आता है जब मेरा खुद मन करता है ना कि हाँ मैं व्लॉग करूँ तभी मैं करता हूँ अगर मैं ऐसे कर दूँ ना तो मैं मरा हुआ ऐसे थका हुआ टेंशन में ये वो ऐसे करूँगा स्लो बोलूँगा ये ना आपको मजा आएगा ना कुछ अगर मैं जब अपने मन से करता हूँ फिर जो फन होता है जो एक मतलब अंदर से जत्ती निकलता है वो फिर निकलता है ऐसे नहीं तो इसीलिए मेरे व्लॉग लेट आते हैं क्योंकि मेरा मन नहीं करता यार कभी कभी क्योंकि और भी बहुत सारी टेंशन होती है यहाँ पे सिर्फ चिल लाइफ नहीं है वो और भी बहुत कुछ है वो आपको हम जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा 6 महीने होंगे 7 महीने होंगे फिर जाके बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ की क्या क्या नहीं तो तब तक के लिए गुड बाय अब नेक्स्ट व्लॉग शायद जल्दी आ जाए तो तब तक के लिए इसी व्लॉग पे प्यार दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली को भी दिखाओ शायद उनको हमारे ब्लॉग पसंद आ जाए तो चलो तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर चैनल को करो सब्सक्राइब और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे अगर करना चाहते हो तो वरना कोई बात नहीं जितने हो उतने बढ़िया और स्नैपचैट पे भी कर लो क्योंकि आईडी मैंने दी हुई है मन किया तो कर लेना नहीं तो रहने देना तो चलो मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग पे तब तक के लिए गुड